नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ, तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। बालोद, पानी अनमोल है, इसका संरक्षण एवं संवर्धन करें, कलेक्टर चंद्रवाल। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के माना हुआ गुरु विकास खंड के ग्राम कुलिया एवं कनेरी में किया गया जल संरक्षण पखवाड़ा आज शुभारंभ। कलेक्टर ने ग्रामीणों द्वारा स्वप्रेरणा से अपने अपने घरों में निर्मित किए गए सूखता गड्ढों की सराहना। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने कहा कि पानी की एक एक बूंद बहुत ही अनमोल है। उन्होंने कहा, इसके बिना मनुष्य के साथ साथ संपूर्ण जीव जगत की जीवन की परिकल्पना करना सर्वथा असंभव है, इसीलिए पानी का संरक्षण एवं संवर्धन करना नितांत आवश्यक है। चंद्रवाल जिले के गुरूर विकास खंड के ग्राम कुलिया एवं कनेरी में आयोजित जल संरक्षण पखवाड़े के शुभारंभ अवसर पर अपना उद्गार व्यक्त कर रहे थे। वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। चंद्रवाल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को जल संरक्षण के महत्व एवं इसकी उपयोगिता की जानकारी देते हुए सभी लोगों को अपने अपने घरों में सोखता गड्ढों का निर्माण करने तथा जल संरक्षण के पुनीत कार्य में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। इस दौरान कलेक्टर चंद्रवाल एवं अधिकारियों ने ग्राम कुलिया एवं कनेरी के विभिन्न घरों में पहुंचकर घर मालिकों द्वारा बनाए गए सोखता गड्ढों का अवलोकन भी किया। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा स्वप्रेरणा से सोखता गड्ढों के निर्माण करने पर ग्रामीणों के जल संरक्षण के प्रति सजगता एवं प्रयासों की भूरी-भूरी सराहना व प्रशंसा की। कलेक्ट्रेट एवं सीईओ जिला पंचायत ने ग्राम कुलिया में श्रम दान कर सोखता गड्ढों के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाते हुए इस प्रकार जन सहयोग से अपने अपने घरों में सोखता गड्ढा निर्माण कराने प्रोत्साहित किया इस मौके पर कलेक्टर चंद्रवाल, जिला पंचायत के सीईओ संजय कन्नौजे सहित अन्य अधिकारियों ने सोखता गड्ढा में मिट्टी एवं रेत डालकर जल संरक्षण पखवाड़े का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा जिलेवासियों को जल संरक्षण के महत्व की जानकारी देने तथा जल संरक्षण एवं संवर्धन करने जिले के गुरूर विकास खंड में 24 मई से 5 जून तक जल संरक्षण पखवाड़ा आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सोखता गड्ढे के निर्माण हेतु शेष रह गए गुरु विकास खंड के 17,000 घरों में पहुंचकर 5 जून तक उन्हें स्वप्रेरणा से सोखता गड्ढे के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाएगा। कलेक्टर चंद्रवाल के निर्देशानुसार जिला एवं ब्लॉक स्तरीय नोडल अधिकारियों के द्वारा जल वाहिनी के सदस्य, रोजगार सहायक सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान कलेक्टर चंद्रवाल के पानी संरक्षण एवं संवर्धन करने तथा इसकी विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के संबंध में कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पानी के हर एक बूंद को संरक्षण करने तथा कैच द रेन को बढ़ावा देने का पूरा सहयोग करने की शपथ दी। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर संजय कन्नौजे, उप संचालक पंचायत आकाश सोनी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमेश रात्रे सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। कलेक्टर चंद्रवाल ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संपूर्ण जीव जगत के लिए पानी की उपयोगिता एवं महत्व के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने पानी के अपव्यय एवं दुरुपयोग करने पर भविष्य में आने वाले संकट एवं चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। कलेक्टर चंद्रवाल ने कहा कि पानी के संरक्षण एवं संवर्धन के विशेष प्रयोजन के फलस्वरूप गुरूर विकास खंड में जल संरक्षण पखवाड़े का महत्वपूर्ण आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर ने अपने सभी लोगों को अपने अपने घरों में सोखता गड्ढों का निर्माण करने और इसके लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित करने को कहा। उन्होंने कहा कि हम छोटे छोटे प्रयास के माध्यम से जिले में जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी एक माह के भीतर गुरूर ब्लॉक के सभी घरों में अनिवार्य रूप से सोखता गड्ढे का निर्माण कर जल संरक्षण की इस महती अभियान में अपना सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर संजय कन्नौजे ने कहा कि ग्रामीण स्वप्रेरणा से अपने घरों में सोखता गड्ढे का निर्माण किया है, सचमुच बहुत ही सराहनीय एवं जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को जल संरक्षण के उपयोग तथा पानी की उपयोगिता एवं महत्व के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।
इस अवसर पर अधिकारियों ने ग्राम कुलिया के ग्रामीण जगत राम पटेल एवं गोपी कृष्ण साहू तथा ग्राम कनेरी निवासी विजय साहू के घरों में पहुंचकर उनके द्वारा स्वप्रेरणा से बनाए गए सोखता गड्ढों का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रामीण कृषकों द्वारा स्वप्रेरणा से सोखता गड्ढा के निर्माण करने पर उनके इस कार्य की भूरी भूरी सराहना की। इस दौरान कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत द्वारा ग्राम कुलिया के कृषक गोपी कृषक साहू के निवास पर कुदाल से खुदाई कर सोखता गड्ढा निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान महिलाओं एवं छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति कर आम लोगों को पानी के महत्व एवं जल संरक्षण के उपायों के संबंध में जानकारी दी। ग्रामीण कुलिया एवं कनेरी पहुंचने पर ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, सीईओ पंचायत डॉक्टर संजय कन्नौजे सहित अन्य अधिकारियों का आत्मीय स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ से बालोद से सीजीएन न्यूज प्लस 24 संपादक की ओर से देवांगन की खास रिपोर्ट। उतना है कि सूख गया है अभी? अच्छा, तो सूखने का इंतजार कर रहे हो? हैं? नहीं, सूखने का इंतजार मत करिए भाई। कोई भी लोग, हम लोगों का जो पानी है, जो भूगर्भ में पानी होता है, वो पानी आपके उपयोग के लिए है। अगर हम घर के कुछ काम करते हैं, हम फसल लगाते हैं, तो वो पानी आपका जो तालाब में है, जो आपका सतही वाटर है, सतही जल है, उसको आप इस्तेमाल करें। जो भू जल है, भूगर्भ में पानी है, वो पायस है, वो बहुत ही शुद्ध पानी है। पानी चालू कर देवे का दी नहीं, पानी नहीं है, खत्म हो गए। कैसे दीदी हो? तुम्हारा बड़ बेले देखा था वो, एक कनी कपड़ा कट्टी का पानी धोवा था वो तुम्हारा, वही ला बाल्टी निकाल लेते, वो बाल्टी भर के धोते हो, दो बाल्टी धोवाई तेला चार बाल्टी धोवा तो ऊपर से बोल अभी चालू कर दे हो, सबको पानी बाहर में बहावा थी। नल का पानी आएगा सर, जैसे और घर का पानी भी आएगा सर, उधर पुरमन जो आते हैं हमारी तरफ, उनका जो आपके छत का पानी भी आएगा जी, सर जी। जो डेली आपका जो नल लगा है वो पानी आएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। तुम्हारा दो ज्यादा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीजी न्यूज प्लस 24।